गाइस क्या रविंदर जडेजा ने सरफराज खान के फादर से माफी मांगी और वो भी पहरे पड़ के। यह गाइस शुरू से करते हैं कि कल हुआ क्या था कि सरफराज होते हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, जडेजा होते हैं स्ट्राइकिंग एंड पे और उनको एक रन चाहिए होता है अपनी सेंचुरी पूरी करने के लिए। वो हल्का सा शॉट मारते हैं और चले जाते हैं और सरफराज को बोलते हैं कि आ जाओ भाई एक रन लेने। लेकिन जब बॉल फील्डर के पास में चली जाती है तो जडेजा उनको बोलते हैं नहीं नहीं मैं नहीं आया, और वो अपनी क्रीज में तो वापस निकल लेते हैं लेकिन सरफराज काफी बाहर आ चुके होते हैं और वो वापस नहीं पहुंच पाते और डायरेक्ट हिट से वो आउट हो जाते। इसको देख के रोहित शर्मा को तो एकदम से अलग ही गुस्सा आया था, उन्होंने अपनी कैप तक फेंक दी थी एंड कैप्टन काफी ज्यादा गुस्सा थे, जहां पे इवन कमेंटेटर तक भी आपको गुस्सा लगे होंगे। लेकिन हाँ, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, तो ऐसा होता ही है। और इस चीज के लिए रविंद्र जडेजा ने खुद से पहले ही अपनी स्टोरी में जाके जब मैच खत्म हो गया था उन्होंने सॉरी बोल दिया था सरफराज खान। लेकिन उसके बाद गाइस एक ये वाला स्क्रीनशॉट काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां पे आप देख सकते हैं कि वो पैर ऐसे नीचे तो हुए हैं सरफराज खान के फादर को, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो एक्चुअली माफी मांगने के लिए या फिर ड्यू रिस्पेक्ट में उन्होंने ऐसा किया। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये क्या था, क्योंकि ये काफी ज्यादा वायरल जा रहा है ट्विटर पे, तो मैंने इसलिए कवर कर लिया। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन पे आपको क्या लगता है, जहां आपने ये वाला मोमेंट देखा था, अगर देखा था तो मुझे बताना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।